हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल यात्रा फ्रीक। ठंड आ गई है और विंटर वेकेशन का टाइम भी, तो अगर आप भी इस विंटर वेकेशन में किसी हिल स्टेशन या स्नोफॉल वाली डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो। अब विंटर्स हो और उसमें स्नोफॉल देखने को मिल जाए तो क्या बात। हम काफ़ी लकी हैं कि इंडिया में कई सारी ऐसी डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे स्नोफॉल देखी जाती है। चलिए जानते हैं इसमें से टॉप 5 डेस्टिनेशन कौन सी हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है गुलमर्ग का। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है, जो कि श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट भी श्रीनगर है। यहाँ ट्रेन या फ्लाइट दोनों ही मीडियम से पहुँचा जा सकता है और श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए टैक्सी या बस ली जा सकती है। यहाँ कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि महारानी टेम्पल। पहाड़ों के बीच स्थित ये टेम्पल बहुत ही अद्भुत है। दूसरा है गुलमर्ग गोल्फ क्लब, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में है। फिर आता है अल्पथर लेक, जो साल के अधिकतर समय फ्रोजन रहता है और यहाँ पे जाने के लिए हमें केबल कार की जरूरत पड़ती है। ये 13 किलोमीटर गुलमर्ग से पड़ता है। फिर आता है पर्वत पीक, ये गंडोला केबल कार राइड के सेकंड फेज में पड़ता है। गंडोला केबल कार राइड का एक अपना अलग ही मजा है, जिसमें बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां स्नोफॉल देखी जा सकती है वो होगी मनाली। मनाली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब मनाली गए और रोहतांग पास की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। रोहतांग पास 60 किलोमीटर है मनाली से और ये अक्सर अधिक जाड़ों में बंद हो जाता है। मनाली में ही पड़ती है द फेमस अटल टनल, जो 9 किलोमीटर लंबी है और जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती है। अटल टनल को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं सिसु विलेज। इसकी अपनी खासियत है। मनाली में ही पड़ता है सेथान विलेज, जो कि इग्लू विलेज के नाम से भी फेमस है। यहाँ पे ही इंडिया के सबसे पहले इग्लू बनाए गए थे और उसके बाद से ये प्लेस फेमस हो गया। अगर आप मनाली में स्नो एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो सोलांग वैली जा सकते हैं। इसके अलावा वशिष्ठ विलेज, जोगिनी वाटरफॉल्स, मनाली मॉल रोड भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। थर्ड नंबर पे हम सजेस्ट करेंगे ओली। ओली उत्तराखंड में स्थित है। ओली जाना जाता है अपने एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए। ओली जाने के लिए आप दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून पहुंच सकते हैं और वहां से आप बस या टैक्सी लेके ओली पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग 300 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। आप अपना स्टे जोशीमठ में प्लान कर सकते हैं, जो कि 8 किलोमीटर ओली से पहले पड़ता है। और फिर जोशीमठ से ओली रोप वे के थ्रू जा सकते हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। नेक्स्ट हम सजेस्ट करेंगे लेह लद्दाख। लेह लद्दाख बाइकर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ आप जा सकते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल पे। यही आपका स्थित है खरदुंगला पास, जो कि समुद्र तल से 18,380 फीट पे स्थित है। फिर आप यहाँ जा सकते हैं शांति स्तूपा और पैंगोंग लेक, जो कि 170 किलोमीटर लेह सिटी से पड़ता है। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट सिटी पड़ती है वो है डलहौजी। डलहौजी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ऑफ हिमाचल प्रदेश। डलहौजी पहुंचने के लिए आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो पठानकोट है और एयरपोर्ट भी पठानकोट है। दिल्ली से पठानकोट आप वाया ट्रेन जा सकते हैं। डलहौजी इज मेनली नोन फॉर ट्रेकिंग और ये 1970 मीटर सी लेवल से ऊपर है। लिस्ट एक्चुअली अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। ये तो थे टॉप 5 प्लेसेस जहाँ पे आपको स्नो देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा शिमला, सोनामार्ग, पटनी टॉप, कुफरी, सिक्किम, तवांग, चौपटा, नैनीताल जैसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको स्नोफॉल आसानी से देखने के लिए मिल सकती है।
आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप स्नोफॉल देखने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं और आप अपनी ये विंटर वेकेशन इंजॉय करेंगे। लेट्स मीट अगेन ऑन यात्रा फ्री। तब तक के लिए बाय बाय।